हमारे साथ रुकने असल वाली आपको असल नाजमी साहब है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मुंबई में मुकीम आजमगढ़ के लोगों को एक जगह जमा किया है और हम आजमगढ़ के लोग एक मूवमेंट उन्होंने शुरू की है। क्या ये मूवमेंट इलेक्शन को एक पेश नज़र की गई है, क्योंकि मुंबई शहर में अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या इस सिलसिले में आसिम भाई ने अबू आसिम आजमी साहब ने जो है आजमगढ़ के लोगों को जमा करके उनको वोट बैंक के ऐसे ऐसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है? देखिए ऐसा है कि हम आजमगढ़ के लोग, मैंने बचपन से देखा है, हमारे बाप दादा ने हमेशा खड़े खड़े कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने काम किया। हमारे लोग पहले बहुत बड़ी तादाद में रहते थे बर्मा में, और जब नेताजी सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो आजमगढ़ के हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। निज़ामुद्दीन साहब जो उनके पर्सनल ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, आखिरी दिन नेताजी को छोड़कर यहाँ आए थे और अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो आजमगढ़ के मोहम्मदपुर के रहने वाले, मुजाहिदे आज़ादी 1857 में जब अंग्रेज़ों के साथ बगावत हुई थी, तो पटना में उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था, गंगा नदी के किनारे इनको फांसी के पंजे पर चलाया गया। तो सुनिए, मेरा मैं इसलिए बोला रहा हूँ कि जब मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ देश के अंदर कि आज इंसाफ नहीं मिल रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, और खासतौर से मुंबई के अंदर 50 लाख मुंबई इतना 50 लाख पर प्रांति रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के रहने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं उनको मुतहद करना चाहता हूँ, उनको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, और सिर्फ आजमगढ़ नहीं बल्कि आजमगढ़ इसलिए कि मेरा घर है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और यूपी के तमाम ज़िलों को पहले एक आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, बस्ती, गोंडा, जितने मैं कितने नाम 76 जिले हैं, हर जिले के लोगों को बुलाऊँगा, समझाऊँगा कि देखो दुनिया जो भी कुछ होता है, जो कानून बनता है, लोग कैसे इस मुल्क में रहेंगे, ये मुल्क किस करवट चलेगा, वो सब सियासत में कहते हैं। नहीं, जैसे कि MNS जो है मराठियों की बात करती है, शिवसेना मराठियों की बात करती है, तमाम पार्टियां मराठियों की बात करती है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है आजमगढ़ के लोगों को लेकर और यूपी के लोगों को लेकर क्या एक सियासी कार्ड नहीं खेल रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सियासी मैं तो मराठी भी मेरे सामने है, ऐसा नहीं है। दुनिया ताकत के साथ जनरेशन आता है ना, तो राज ठाकरे साहब भी हिंदी में लिखते हैं, उत्तर भारतीय को बुलाते हैं, शिवसेना उत्तर है नहीं, मैं तो सबके साथ हूँ, और मेरा मकसद रियाज सियासत, अगर सियासत मेरा मकसद होता ना तो मैं किसी पार्टी में जाकर के समाजवादी को लपेट कर किसी पार्टी में जाकर मंत्री बन जाता, जिससे मेरे बहुत सारे लोग पार्टी छोटी पार्टी मंत्री बनते हैं। मेरा मकसद है सिर्फ इंसाफ दिलाना, मैं सबसे पहले अपने घर को सुधारूँगा, यूपी आजमगढ़ है मेरा जहाँ पैदा हुआ वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र को बुलाऊंगा, मैं गुजरात भी बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। कश्मीर का दौरा किया, अपने कश्मीर के अंदर भाई एक एक इंच पे पुलिस खड़ी है, बंदूक लेके मिलिट्री खड़ी है, क्या है उस जन्नत नुमा कश्मीर को, यह पूरी दुनिया में खूबसूरत जगह है, उसको जो है सियासत में जहनत बना दिया, आग का आग और नफरत फैली हुई वहाँ पर, क्या क्या सरकार ऐसा आदमी एक MLA और एक MP होने के बाद मेरी गाड़ी में सिकुड़ी बैठने के बाद मुझे हर एक किलोमीटर पर रोका जाता था, हर एक किलोमीटर पर कोई भी हो रुक जाओ पुलिस जा रही है, अरे इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी की जितनी पब्लिक वहाँ है वहाँ पे तो पुलिस है, हर घर में आपको खाना खाने निकले पुलिस रोक लिया, पूरा एक गाड़ी चेक किया कहाँ से आया क्या है, कार्ड दिखा रहा कार्ड रखो जेल में। एक सवाल ये था कि लॉज यार के नाम पर जो कानून बना है यूपी में, उस पर क्या कहना है आपका? ये सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत, मुसलमान लड़कियों से हिंदू शादी कर रहा है तो ये कौन सा लफ्ज याद है, इससे क्या है, कितनी मुस्लिम लड़कियां हिंदू शादी कर रही है, हिंदू लड़के मुस्लिम शादी कर रहे हैं, वो चारों तरफ हो रहा है। अगर मुसलमान लड़की से हिंदू शादी करेगा तो आपको बहुत खुशी है, आप ऐलान कर रहे हो कि बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से हम इतने दिनों में इतनी लड़कियाँ लाएंगे, बहू बनाएंगे, और अगर एक लड़को हिंदू लड़की मुसलमान शादी करती है तो उस पर मुकदमा करें, उसको जेल भेज दिया जाता है। इस देश में, इस देश का कानून सबसे बड़ी चीज़ है, 18 साल की उम्र के बाद तक कोई भी लड़की कोई लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मुझे लगता है ये कानून बिल्कुल गलत बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और हिंदू और लोगों को मुक्त करने के लिए। जो अभी आजमगढ़ मूवमेंट आपने शुरू की है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं अब तक? मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं, मैं एक साथ में जुड़ जाता हूँ, मैं जुड़ेंगे, मैं और जोड़ूंगा लोगों को, अच्छी तरह जोड़ूंगा, यूपी में भी जब BJP कमजोर होगी, जब समाजवादी पार्टी कमजोर होगी तो BJP बढ़ेगी, जब BJP बढ़ेगी समाजवादी कमजोर होगी, इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी को बढ़ाना है और BJP को देना है। मुंबई शहर में मैंने कहा था कि मैं
बॉम्बे शहर ये बॉम्बे शहर के लोग तो नहीं खाए, बॉम्बे शहर मीटिंग हो रही है, भिवंडी के हैं, मुंबरा के हैं, थाना के हैं, बहुत सारे लोग उसको बैठे और मैं हर हर जगह मीटिंग करूँगा लोगों जमा कर नहीं नहीं आजमगढ़ जब तक मेरा घर ही तो रोज में आजमगढ़ नहीं 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 ये नहीं कहते हैं आजमगढ़ कोई बाहर से बुलाया नहीं किसी को जो यहाँ रहते वही लोग हैं। ये थे अबू असलम आजमी साहब जो बता रहे थे कि आजमगढ़ के लोगों को मुत्तहिद करने का उनका मंसूबा है। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, आजमगढ़ के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आजमगढ़ के लोगों की बात के नाम से इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की है और जिनके लिए जो है वो अंत तक लड़ेंगे और इसका कोई सियासी मामला नहीं है। लतीफ शेख के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।